बता दूँ, अगर यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, अगर उन्हें ये चाहिए कि भाई कि लड़के के मन में क्या चल रहा है, ये लड़के के अंदर क्या है, अगर उनके सच जानने हैं आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उसे दारू पिला देनी है। साला ये रात को कुत्ते की आवाज़ सुन के तो बिछावन में मूत देता है, और ये इसने अकेले 100 लोगों की गांड फाड़ दी और शेर ने इसे देख के मूत दिया। कितने तेजस्वी लोग हैं भारत में हमारे। तो गाइस एक दिन मैं और मेरे दो दोस्त बैठे थे दारू पीने के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि लड़कों को दारू पीने के लिए कोई फेस्टिवल की जरूरत नहीं होती, यानी जिस दिन लड़कों की जेब में 150-200 रुपये हो गए उसी दिन उनकी पार्टी होती है, उसी दिन उनका फेस्टिवल होता है। और लड़के जो पार्टी करते हैं गाइस, उसमें पार्टी के नाम पे दारू की बोतल और चकना, बस यही दो चीज़ इंक्लूड होती है और कुछ नहीं। आपने वो ऐड देखी होगी गाइस जिसमें अजय देवगन बोलता है कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, हम लोगों ने इसे बनाया है कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 बकचोद, मैं वो और चूतिया। इसमें मैंने चूते इसलिए इंक्लूड किया गाइस क्योंकि एक हम में से एक ऐसा बंदा होता है जो दारू के पैसे भी देता है, चखने के पैसे भी देता है, और बैठ के पीने का इंतजाम भी वही करता है कि कहाँ पे बैठ के पीना है, और उसके बाद मज़े भी उसी से लिए जाते हैं। तो इसलिए हमने इसमें इंक्लूड किया मैं वो और चूतिया। वैसे बता दूँ, अगर यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, अगर उन्हें ये चाहिए कि भाई कि लड़के के मन में क्या चल रहा है, ये लड़के के अंदर क्या है, अगर उनके सच जानने हैं आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उसे दारू पिला देनी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ, तो मेरा यही काम है कि उनके साथ बैठना है और उनकी बकचोदियाँ सुननी है, मतलब इनके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब आपको बता देंगे। तो ऐसे ही हम तीन दोस्त एक साथ बैठे थे, मैं, प्रकाश और अनिल। तो उसमें हुआ क्या कि मैं चकना ख़त्म कर रहा था और वो लोग दारू ख़त्म कर रहे थे, और अब उन्होंने इतनी पी ली थी कि अब उनके साथ जो है वो सच का सामना गेम खेला जा सकता था। तो मैंने अपना क्वेश्चन शुरू कर दिया, मैंने कहा अनिल भाई मैंने कुछ टाइम पहले तेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे एक लड़की की फ़ोटो देखी थी, वो कौन थी? तो अनिल बोलता है कि सुनो आज मैं तुम दोनों को एक राज बताने जा रहा हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताया। हमने कहा इसी का इंतज़ार है, आखिर बता, क्योंकि मुझे पता था कि वो कुछ ऐसा बताने वाला है भाई जिससे हम उसकी पूरी ज़िंदगी लेंगे। हमें ये सोच सोच के बहुत मज़ा आ रहा था कि अब आएगा मज़ा। उसके बाद जो उसने वो चीज़ें बताई कि वो लड़की कौन थी, हमारे दिमाग फट गए, ये कैसे हो सकता है? मतलब उसने बोला कि भाई हम, वो मेरी बंदी थी, मैं उससे शादी करने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, और हम दोनों के फैमिली भी आपस में मिल ली है, और हम ये सोच रहे कि इतनी सारी चीज़ें हो गई भाई और हमें भनक तक नहीं है। बस मेरे दिमाग में चल रहा था कि बस यही सुनना था मुझे, अब देख मैं तेरी कैसे लेता हूँ। मैंने उससे पूछा कि लड़की के फैमिली वाले मान गए? कह रहा है यार मान तो गए बट उनकी एक कंडीशन है। तो मैंने बोला क्या? तो कहता है कि यार वो कह रहे कि भाई मैं अपनी लड़की की शादी तुझसे तभी कराऊंगा जब तेरी सरकारी नौकरी होगी। तो मैं मनी मन ये सोच रहा हूँ कि अब मैं इसे कैसे बताऊँ कि चूती नहीं होगी तेरी शादी उससे, अब इनडायरेक्टली वो मना कर रहे हैं उसकी लड़की के घर वाले। तो अभी वो 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ये तो मुझे पता है कि भाई वो 1-2 साल बाद रोता हुआ मेरे पास ही आएगा, हम लोगों के पास आएगा और गले लगेगा और बोलेगा भाई उसकी शादी किसी और से हो गई, और हम उसे बोलेंगे भाई हमने तो तुझे पहले ही समझाया था, कट गया ना तेरा भी। ओह यार कब सुधरेंगे ये लड़के यार, कब समझेंगे ये चीज़ें। मतलब जो माँ बाप ज़िंदगी भर बोलते रहेंगे भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले आज नहीं तो कल काम आ जाएगा, सिक्योर जॉब हो जाएगी, तब नहीं समझ आई इसे बात। लड़की आई ज़िंदगी में, इसके फैमिली ने बोला कि भाई सरकारी नौकरी वाला चाहिए, अभी 2 साल से तैयारी कर रहा है। खैर कटेगा, बहुत बहुत जल्दी कटेगा इसका भी। ये चीज़ तो हम लोग को पता है लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग उसे अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं। उस दिन उसने अपनी राज खोल दिया हमारे सामने। अब जब वो घर गया, जब वो होश में आया, तो सुबह सुबह उसके इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रीलें मिली जो कि हमने भेजी थी। अब वो रीलें किस तरीके की थी? वो थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। अब हमारा ऐसा है कि भाई देख, अगर हमारी नहीं तो भाई तेरी भी नहीं होने देंगे।
ठीक है, साफ सीधी बात है कि भाई जब हमारी नहीं है तो तू कैसे लव मैरिज कर सकता है। क्योंकि आप लोगों ने वो डायलॉग तो सुना ही होगा जो थ्री इडियट पे बताया गया था कि भाई अगर दोस्त लास्ट आ जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। तो वही वाला खेल था, तो हमने सोचा इसे थोड़ा अलग तरीके से परेशान करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक खुन्नस थी कि भाई से 2 साल से ये लोग साथ में हैं और इन लोगों ने कुछ बताया नहीं हमें, तो हमें इस चीज़ की भी खुन्नस थी। तो हमने उसे रील भेजनी शुरू कर दिया ऐसे कि जो इसमें दिखाया गया कि भाई शादी के बाद लड़की जो है वो किसी और लड़के के साथ अफेयर कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि लड़का जो है उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और इस तरीके की रीलें हमने भेजना शुरू कर दी उसे परेशान करने के लिए, क्योंकि लड़कों में ऐसा नहीं होता यार, इतनी बड़ी चीज़ कैसे छुपा ली उसने। हम लड़कों में होता भाई अगर नई चड्डी भी लेते जाकर मार्केट से, तो कहते भाई आज तेरे भाई ने नई चड्डी पहनी है। तो ये चीज़ कैसे छुपा सकता है वो। तो हमें इस चीज़ का गुस्सा था और हम तब तक इसे तंग करते रहेंगे जब तक इसका कटेगा नहीं। तो बता दूं गाइस जिन लोगों को नहीं पता कि दारू पीने के बाद लड़कों के दो रूप निकल के आते हैं, ठीक है, पहला होता है बकचोदी वाला, मतलब एक अलग ही लेवल की बकचोदी करने लगते हैं दारू पीने के बाद, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। एक मेरा दोस्त है वो दारू पीने के बाद बाहुबली बन जाता है। हाँ भाई, उसे सही में लगता है कि उससे बड़ा ताकतवर है ही नहीं कोई दुनिया में। तो एक दिन ऐसे ही मेरा एक दोस्त दारू पीने के बाद फ़ोन कर रहा रात में मुझे 1 बजे, कहता है भाई मैं ना उत्तराखंड गया था। मैंने कहा अच्छा, कह रहा उत्तराखंड में ना मैं जंगल में गया था, वहाँ मुझे शेर मिल गया और हम दोनों एकदम आमने सामने खड़े हुए। अब मैंने सोचा कि मैं जाऊँ कहाँ। मैंने क्या किया कि मैंने शेर को बोला कि आ जा, आज देखते हैं, आज पहली बार तू किसी मर्द से टकराएगा। मैंने कहा अच्छा ये भी ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि उसने दारू पी रखी है। और कहता है कि भाई जैसे ही मैंने अपना पैर ज़मीन पर पटका ना, शेर ने डर के मारे मूंद दिया। मैंने कहा अच्छा सही कह रहा होगा, उसे लग रहा है मैं विश्वास कर रहा हूँ इन चीज़ों का। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, कुछ भी किसी भी लेवल की बकचोदी दारू पीने के बाद एक अलग लेवल जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। एक बार मुझसे कह रहा कि भाई मेरी पहाड़ी पर लड़ाई हो गई थी, तो सामने वाले ने 100 बंदे बुला लिए मारने के लिए मुझे, और मैं अकेला, लेकिन मैंने 100 की गांठ फाड़ दी। अब ये मैं विश्वास कर ही नहीं सकता, समझ रहे हो, ये मैं विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकता। क्योंकि भाई हम बचपन से एक साथ है भाई, बचपन से जानता हूँ मैं उसे। साला ये रात को कुत्ते की आवाज़ सुन के तो बिछावन में मूत देता है, और ये इसने अकेले 100 लोगों की गांठ फाड़ दी और शेर ने इसे देख के मूत दिया। कितने तेजस्वी लोग हैं भारत में हमारे। ओह, तो ये तो हो गया लड़कों का पहला रूप दारू पीने के बाद। दूसरा जो रूप निकल के आता है उनका, वो होता है आशिक वाला। आशिक वाले रूप में क्या होता है कि जब इनके अंदर दारू जाती है तो इनके अंदर का आशिक बाहर आता है, और इनकी दारू पीने के बाद सबसे पहली लाइन होती है कि भाई दिल से कह रहा हूँ प्यार मत करियो, तुझे नहीं पता कितना दर्द होता है प्यार में। मैंने कहा अच्छा, मतलब उनका ये रहता है बेसिकली कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरा प्यार में बहुत ही गंदा कट गया है, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्यार मत करियो। मुझसे कह रहा है कि भाई लड़कियाँ जो है ना सिर्फ पैसा देखती है, कुछ नहीं देखेगी भाई, ना तेरी फैमिली देखेगी, ना तेरा सिचुएशन देखेगी भाई, कुछ नहीं देखेगी, वो सिर्फ देखेगी कि पैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई वो तेरा काट के किसी और के साथ चल जाएगी। मैंने कहा भोसड़ी के, जब पता था तो तू गया था बनाने हुआ, सिंगल रहता ना। वो कहते हैं ना वो वेब सीरीज कौन सी आई थी जिसमें, वो क्लिप देखी थी मैंने एक वेब सीरीज की, कि उसमें वो कहता है कि भाई अगर अच्छे खासे इंसान को बर्बाद करना हो तो उसे 2 चीज़ों की लत लगा दो, प्यार की और दारू की। दोनों जब तक शौक है तब तक तो ठीक है, जिस दिन वो आदत बन गई उस दिन ज़िंदगी के लावड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो वो बात सच है, तो ये चीज़ें हकीकत है, बहुत सारे लड़कों का कटा है। जिसका कटा हो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना किस किस का कट चुका है। सो दैट्स माई टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच। उम्र सारी।